अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अजीम योगा। दिस इज़ मी अजीम, आई एम योर फिटनेस फ्रेंड। तो हम कुछ माइंडसेट की बात करने जा रहे हैं। जो हमारे पास लोग आते हैं, हमें उनसे एक्सपीरियंस मिलता है, हम उनकी काउंसलिंग करते हैं, किस तरह के वो माइंडसेट उनके होते हैं जिसकी वजह से उनकी प्रॉब्लम आती है। ख़ास तौर पर जो है मेंटली वो स्ट्रेस में आते हैं, डिप्रेशन में आते हैं, एन्जाइटी में आते हैं। तो आज हम उन चीज़ों की बात करेंगे। तो मैं आपको कहना चाहूँगा, वीडियो को लास्ट तक देखिए। डेफिनेटली इट विल बी वेरी फ्रूटफुल, बहुत इन्फॉर्मेटिव आपके लिए होने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहला जो माइंड सेट है ना, वो ये होता है कि हम बड़े हार्ड एंड फास्ट जो है ना, वो रूल्स अपने आप पे मुसल्लत कर लेते हैं, बड़े बड़े गोल्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसने 20 साल 30 साल अपनी लाइफ गुजारी है बगैर एक्सरसाइज के, बगैर कोई फिजिकल एक्टिविटी के, वो रात को सोचता है कि जी मैंने आज से सुबह से हम क्या करेंगे कि हमने एक घंटा डेली जो है वो वॉक करनी है, ठीक है, डेली, और 30 दिन वॉक करनी है। और होगा क्या कि वो उससे डेफिनेटली इस तरह होता है कि उसे 2-4-5 दिन मिस हो जाएंगे। हालांकि उसको अप्रिशिएट करना चाहिए अपने आप को कि उसने 26 दिन 25 दिन या 20 दिन उसने वॉक की, क्योंकि सारी उम्र तो उसने एक्सरसाइज की नहीं ना, वॉक की है। हम क्या करते हैं, हम डिप्रेस हो जाते हैं, हम कहते हैं हमारा गोल था 30 डेज, हम गए हैं 20 डेज। सेम ये देखा गया है कि वो लोग जो वेट लॉस के लिए अपने कोई गोल बनाते हैं, हम क्या करते हैं कि हमने जो है ना वो एक महीने में कोई 10 इंचज कम करना है या हमने 20 किलो वजन कम करना है। बाज़ुकात वो ऐसे गोल्स होते हैं जो रियलिस्टिक नहीं होते। फिर होता क्या है, हम अपनी एक डेस्टिनी पे, अपनी मंजिल की तरफ चलने लग जाते हैं, और हमें अल्लाह का ऐसा फजलो करम होता है कि 20 किलो तो नहीं, कुछ 4-5 किलो ही वज़न कम हो जाता है, विच इज़ ए वेरी गुड रिजल्ट। लेकिन हम अगेन कहते हैं कि हमने तो सोचा था कि हमारा वज़न जो है ना वो तो कम होगा जी 20 किलो, तो इसका मतलब है हमने कुछ सही नहीं किया या हमारे साथ कुछ सही नहीं हो रहा। तो दैट एक्चुअली विल लीड यू टू हैव अ स्ट्रेस। आपको डेफिनेटली स्ट्रेस होगी ही होगी। तो हमें सबसे पहले स्टार्ट करना चाहिए बेसिक स्टेप से, छोटे छोटे गोल से। यानी कि आप डेली ये कोशिश करें कि आपने वॉक करनी है, आपका नागा ना हो, बेशक आप 10 मिनट करें, ठीक है, आपने कोई एक्सरसाइज करनी है, बेशक आप 5 मिनट 10 मिनट एक्सरसाइज कर लें, 5-10 मिनट योगा कर लें, और अपने आप को अप्रिशिएट करें। जब हम अपने आप को अप्रिशिएट करते हैं, रिजल्ट निकलते हैं, तो हम और मोटिवेट होते हैं। पहला तो माइंडसेट ये है जो हमें चेंज करने की ज़रूरत है। दूसरा बहुत ही क्रिटिकल है, और हमारे बच्चों से ले कर एडल्ट से ले कर बड़ों तक का ही माइंडसेट होता है। वो क्या माइंडसेट है, वो है कि जी अगर हमारी कमेटी निकल जाएगी, हमारी ये ज़रूरियात पूरी हो जाएंगी, हम ठीक हो जाएंगे। अगर हमारे फ़लाँ रिश्तेदार हमारी ज़िंदगी से निकल जाएँ, फ़लाँ दोस्त हमारी ज़िंदगी से निकल जाएँ, ये टॉक्सिन जो लोग हैं हमारी ज़िंदगी से निकल जाएँ, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। हमारी ये फ़लानी जॉब हमें मिल जाए, हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। अमेरिका का वीज़ा लग जाए तो हमारी ज़िंदगी बेहतर हो जाएगी। यानी कि हमने अपनी खुशी को जो है किसी एक्सटर्नल चीज़ पर लिंक्ड किया हुआ है, ठीक है। तो वो होता क्या, लाइफ इज़, बिलीव मी, लाइफ इज़ नॉट डिज़ाइन लाइक दैट। आपको एक चीज़ आप अचीव करते हैं, द नेक्स्ट प्रॉब्लम, द नेक्स्ट हर्डल इज़ वेटिंग फॉर यू, ठीक है। ये लाइफ इस तरह से है, कोई भी आज तक दुनिया में जो पैदा हुआ है वो आखिर तक जो है हमारे सिर्फ प्रॉफिट, पीस भी अपॉन हिम थे जिन्होंने अपना काम पूरा किया। अदरवाइज कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो लास्ट पे कह दे, जो मरते हुए से पूछे वो कहे जी जो मैं चाहता था वो मैं अचीव कर लिया, ऐसा कोई दुनिया में बंदा नहीं है, ठीक है। तो हम किस खेत की मूली हैं, इतने इतने बड़े लोग आए, बुज़ुर्ग भी आए, तो हमेशा इंसान को अपनी एफर्ट काम लगती है। तो हमें बहुत ज़्यादा उलझनों में नहीं होना चाहिए। मैं एक बुक पढ़ रहा था, वासिफ अली वासिफ साहब की गुफ्तगू, उसमें वो गुफ्तगू उनसे की जाती थी, लोग पूछते थे, तो किसी ने उनसे पूछा कि जी हम चाहते हैं, हर बंदा चाहता है कि उसके हालात जो हैं वो बेहतर हो जाएँ, या वो अमीर हो जाए, या वो सक्सेसफुल हो जाए, वो फेमस हो जाए। तो उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत सी बात की और बड़ी क्लियर बात की, जिसकी वजह से मैं सबको कहता हूँ कि बुक रीडिंग करनी चाहिए, आपको स्पिरिचुअल भी, बिजनेस रिलेटेड भी बुक पढ़नी चाहिए। उन्होंने कहा जी या तो आप इतने काबिल हो जाएं कि आप अपने हालात को बदल दें, ठीक हो गया, या ये नहीं कर सकते, कोई अजीम जैसा भी होता है इतना काबिल ना हो सके, तो या जो आपके हालात हैं आप उनमें खुश हो जाएं। अगर ये दोनों भी नहीं हो सकते, तो उन्होंने कहा सिर्फ मेरी हमदर्दी आपके साथ है, आपका और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। तो ऐसा होता है, हमें चीज़ों के बारे में क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। लाइफ इज़ लाइक दैट, एक चीज़ अचीव करते हैं दूसरा चैलेंज आ जाता है, दूसरी अचीव करते हैं तीसरा चैलेंज आ जाता है। तो हमें हमेशा जो है ना, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, तो वी हैव टू बी एन इमोशनल इंटेलिजेंट। तीसरी चीज़ जो मैं डिस्कस करना चाह रहा हूँ वो है इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि हमें अपने इमोशंस के बारे में पता होना चाहिए। मैं तमाम अपने दोस्तों से, अपने मेम्बर्स से यही कहता हूँ जिनको बहुत स्ट्रेस, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, एन्जाइटी होती है, मैं उनको यही कहता हूँ कि यू हैव टू डिस्कवर योरसेल्फ। वो तमाम वर्ड
वो तमाम लोग, वो तमाम एक्सप्रेशन, वो तमाम बातें जो आपको ट्रिगर करती हैं, उनका आपको एब्सोल्यूट क्लियर होना चाहिए। अगर वो क्लियर होगा तो आप डेफिनेटली उसको हैंडल कर सकते हैं। फर्स्ट तो ये हो गया कि इमोशनल इंटेलिजेंट होने का ये होगा कि अगर आपको अपनी ज़ात के बारे में बेहतर पता है तो डेफिनेटली आप उसको कंट्रोल कर लेंगे, ठीक हो गया। अगर आपको नहीं पता या आप स्ट्रगल में, तो दूसरा क्या हो सकता है, यू हैव टू हैव अ पेशेंस, दूसरा सब्र। यानी कि या तो आपने अपनी ज़ात को डिस्कवर करना है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना है, या आपने सब्र करना है, अदरवाइज आप लड़ाइयाँ करते रहेंगे, आपके अच्छे रिलेशन नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये है, बहुत सारे लोग मुझे भी पूछते हैं कि जी आप यू लुक स्मार्ट और यू डोंट लुक लाइक अ फिटनेस ट्रेनर। तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता। एक जो हेल्दी बंदे की जो है डेफिनेशन जो है वो रियल हेल्थ है, वो ये है कि एक बंदा अपने बेसिक काम को पूरे कर सकता हो अच्छे तरीके से और वो मेंटली स्टेबल हो। ये नहीं है कि एक बहुत बंदा बड़े बड़े मसल्स बना ले, क्योंकि जो योगी होते हैं, हम नेचुरल चीज़ें खाते हैं, हमने फ्रूट्स खाने हैं, वेजिटेबल्स खानी है, दालें खानी है और नेचुरल एक्सरसाइज करनी है, इसलिए हम बज़ाहिर जो है वो स्मार्ट तो होते हैं, जितना स्मार्ट होना चाहिए, ठीक है। हमारी वेट की टेंडेंसी अच्छी होती है, लेकिन हम स्ट्रांग भी होते हैं, हम इमोशनली स्टेबल भी होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो मैं आपको तीन चीज़ों की अगेन लास्ट में समरी आपको बताना चाह रहा हूँ, जिससे आपकी बहुत सारी मुश्किलें कम हो जाएंगी। स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंजाइटी, बहुत सारे लोगों को OCD होती है, वो कहते हैं जी हमारे तो थॉट ही नहीं खत्म हो रहे होते, एक ही हम चीज़ बार बार कर रहे होते। तो सबसे पहली चीज़ जो करनी है वो क्या है, वो आपने ये करनी है कि आपने छोटे छोटे गोल बनाने हैं, गोल बनाएं, उनको लिखें और आपने अपने आप को अप्रिशिएट करना है, ठीक है, खुद अपने आप को थप्पी देनी है। दूसरा आपने क्या करना है कि आपने रियलिस्टिक चीज़ों को देखना है कि लाइफ इसी तरह से डिज़ाइंड है, ये जन्नत नहीं है, ठीक है। आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, आपने उनको हैंडल करना है, आपका ये है कि आप कितनी खूबसूरती से उनको हैंडल करते हैं, तो आपने पेशेंस रखना है। बाज़ूकात बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं उनका हल नहीं होता, उनका सब्र हल होता है, ऑटोमेटिकली वो रिजॉल्व हो जाती हैं, ठीक हो गया। तो सेकेंड चीज़ क्या होगी, आपने एक तो पेशेंस रखना है और एक अपने जो है किसी एक्सटर्नल हमने चीज़ पर अपनी किसी ख्वाहिशात को, किसी खुशी को अटैच नहीं करना, ठीक हो गया। एंड थर्ड, हमने इमोशनल स्ट्रांग बनना है, हमने इमोशनल स्टेबलाइज बनना है, हमने अपने गुस्से को, अपने एंगर को, अपनी हैप्पीनेस को, ये तमाम चीज़ों को कंट्रोल करके रखना है। जैसे मैं टीचर था तो मैं सीखता क्या था कि कुछ ऐसे टीचर होते हैं, कुछ ऐसे पेरेंट्स होते हैं, जब उनको गुस्सा आता है, कुछ बच्चे गलत करते हैं, तो वो उनको कहते हैं यार आपने तो मेरी तबीयत ख़राब कर दी है गुस्से से, ठीक है, आप तो मुझे हमेशा मेरे साथ अच्छा नहीं करते, टीचर भी कहते थे, यानी गुस्से में वो अपनी हालत ख़राब करते थे। तो मैं ये पढ़ा करता था, मैं सीखता था कि एक अच्छा टीचर या एक अच्छी पेरेंटिंग स्किल्स ये होती हैं कि आपने अपने बच्चे को देखना है कि गुस्सा करना ज़रूरी है, लेकिन आपकी आउटर एक्सप्रेशन आपकी बता रही हो कि आप गुस्से में, लेकिन अंदर से आप बिल्कुल काम एंड शांत हो, ठीक है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये तब हो सकता है जब आपने अपनी सेल्फ को कवर किया हो। तो थर्ड जो है, हमने इमोशनली अपने आप को स्टेबलाइज करना है। मैं आपको ये भी मशवरा देना चाहूँगा कि आप अच्छे दोस्त बनाएं, अच्छे लोगों की सोहबत में रहें, ये बहुत इंपैक्ट करता है। अच्छी स्पिरिचुअल बुक्स पढ़ें, जो वासिफ अली वासिफ साहब की बुक्स हैं, जो इशफाक अहमद साहब की बुक्स हैं, जो बानो कुदसिया की बुक्स हैं, आप उनको पढ़ें, आपको बहुत जो है वो सब्र का, बर्दाश्त का आप में जो है वो पैमाना आ जाएगा। मेरी बहुत सारी नेक ख्वाहिशात हैं आपके साथ कि अल्लाह पाक आपको एक्चुअली रियल हेल्थ एक्सपीरियंस करवाए, और ये वीडियो बनाने और ये बातें शेयर करने का मकसद भी था कि हो सकता है कि मेरी कोई बातें कुछ लोगों के जो है वो काम आ जाए। जैसे हमारे मेंबर्स आते हैं, कुछ लोगों के बहुत काम आ जाती हैं एंड दे गेट वेरी रिलैक्स। आप ज़रूर जो है इन पे अमल कीजिएगा, अपना ज़रूर फीडबैक दीजिएगा हमें कमेंट बॉक्स में, और अपने फ्रेंड एंड फैमिली से भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।